क्यों नहीं चैलेंज दे रहे हो? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे राघव को पढ़ा रही थी और ये भी आ गए थे तभी, तो मैंने इनसे बोला घेवर के लिए, मैंने कहा राघव घेवर के लिए बोल रहा है खाने को, तो फिर इन्होंने क्या कहा खुद ही आप सुन लीजिएगा। तो राघव घेवर की कह रहा है आज लाओगे? घर का घी मैदा ये तो सही है, तो घी मैदा है, ये बर्फ है, सब चीज है, बना तो लोगे? क्यों नहीं चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज है देखो तो अगर बना के दिखाऊंगी। चलो बनाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, दो बार एक पहले ही बनाया था मैंने। चलो देखते हैं। चलो तो फिर तुम कर लो, ठीक है? ये आप तुम करो जब तक, चलो आज घेवर ही बनाते हैं, सामान सब है ही। चलो चलो उठो, हेल्प करो? नहीं नहीं, हेल्प तुम करोगे फिर ये कहोगे मैंने बनाया है ना, फिर ये कहेंगे कि मैंने बनवाया है कि नहीं। चलो आप रहो, हम बना लेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं? घेवर तुम बना पाओगे या नहीं? आपने सुना ही होगा कि राघव जिद कर रहा था घेवर की, तो मैंने इनसे कहा घेवर बाजार से ले आना, बोले नहीं तुम बना लो, तो बोले तुम बना तो लोगी, मैंने कहा नहीं बना लूंगी, तो बोले देखते हैं बना पाती हूँ कि नहीं। तो आज इनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है और आज हम बनाएंगे घेवर, वो भी राजस्थानी घेवर, बहुत बढ़िया वाला। इनको तो पता नहीं, मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में, आपको पता है बढ़िया बनाती हूँ ना। तो चलिए आज घेवर बनाते हैं बहुत इजी तरीके से। मैंने आपके साथ में हलवाई वाला भी शेयर किया था, हमने खुद बनाया था वो भी शेयर किया था पिछले साल, और अभी मैं फिर से बनाऊंगी और बहुत ईजी तरीके से आपको बनाना बताऊंगी एक एक टिप्स के साथ में। तो चलिए इनके बिना हेल्प के, है ना, इनकी हेल्प नहीं लेंगे, इनको ये दिखाएंगे कि हम भी बना सकते हैं। घेवर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर इसमें जो मात्रा होती है ना, जैसे मैदा और घी, ये चीजें अगर सही में हो जाए ना, तो फिर घेवर बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है अगर, और मजा भी आता है इसको बनाने में, अच्छा लगता है। तो चलिए घेवर की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। और तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तोल रही हूँ मैदा, यानी मैदा को वेट कर रही हूँ। तो ये मैं लिया है 200 ग्राम मैदा, तो आज मैंने अपने वेट स्केल का जो है यूज़ किया है, मैंने कहा चलो आज इससे ही करते हैं, इसका कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ये था मेरे पास, आया था मेरे को प्रमोशन के लिए आया था, तो वो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने इसका यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है घी, तो घी मैं ले रही हूँ 50 ml, यानी 200 ग्राम मैदा और 50 ml घी। मैं आपको कटोरी और चम्मच से भी इसका माप सही सही बता दूँगी। तो यहाँ पर ये 50 ml जो है वो घी हो गया है और 200 ग्राम हो गई है मैदा। तो अब यहाँ पे हम लेंगे मिक्सर जार, आप बड़ा मिक्सर जार लें क्योंकि इसमें हम डालेंगे घी। तो देखिए मैंने घी यहाँ लिया है, जो खाने वाली चम्मच होती है ना उससे सही 5 चम्मच घी आपको ले लेना है। 5 चम्मच घी लिया है, देसी घी ले सकते हैं, डालडा ले सकते हैं, आप ऑयल वगैरह का यूज़ ना करें इस टाइम पर। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर ली हैं 4-5 क्यूब्स आइस के, और अब यहाँ धीमे धीमे करके मैं इसको चलाऊँगी, एक साथ नहीं चलाना है क्योंकि बर्फ़ इसमें पड़ी है, तो फ्रिज का जो सॉरी मिक्सर जार का ना टूटने का डर रहता है, जो कि मेरे साथ भी हो गया था, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं इसको चलाती जा रही हूँ धीमे धीमे करके, और इसको मैं चेक कर रही हूँ कि अभी ये अच्छे से हुआ, तो अभी नहीं हुआ है, अभी कसर है। आपको बिल्कुल मक्खन जैसा इसको बना लेना है, आपको भी देखना इसका कलर चेंज नहीं हुआ ना, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और एकदम उस फॉर्म में आ जाएगा जैसे हम बटर निकालते हैं ना, सेम उसी फॉर्म में आ जाएगा, आप देख सकते हैं हो गया ना। तो अब यहाँ हो चुका है ये, तो अब मैंने इसको कर लिया है दूसरे वाले जार में, और यहाँ ले लिया है मैंने 1 कटोरी दूध, ठीक है, 1 कटोरी दूध लिया है और दूसरा वाला मिक्सर जार लिया है मैंने, और मैदा को हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा वाला मिक्सर जार मैंने क्यों लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मैंने बर्फ़ डाली थी ना उसमें, उससे वो थोड़ा मेरा काफ़ी पुराना भी है जार, तो
उससे चटक गया था, तो दूध फैलने का डर रहता है, इस वजह से मैंने दूसरा वाला ले लिया है अपना। तो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके हम जो 200 ग्राम मैदा है वो डालते जाएंगे, और इसमें साथ में ही डालते जाएंगे ठंडा पानी। आप याद रखिएगा चिल्ड पानी का यूज़ करना है और दूध भी ठंडा यूज़ करना है, आपको ठंडी ही चीज़ें इसमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी डालती जा रही हूँ, दूध मैंने पहले एक साथ कर दिया था, और पानी डालती जा रही हूँ और मैदा डालती जा रही हूँ धीमे धीमे करके। अब यहाँ मैंने सारी मैदा डाल दिया है और साथ में डाल दिया है ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल मैंने फ्रीज़र में रख दिया था पानी वैसा ही डाला है। और फिर इसको चलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, आप एक साथ ना चलाएं, धीमे धीमे करके चलाएं। आप देख सकते हैं मैं धीमे धीमे करके चला रही हूँ, बंद कर रही हूँ, चला रही हूँ, बंद कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से आपकी मैदा जो फिट जाएगी, मतलब अच्छे से इसका बैटर बन जाएगा। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मिक्सर जार में करें, पर हाथ से ये है कि थोड़ी सी मेहनत हो जाती है। तो यहाँ मैं आज आपको इजी फॉर्म में बता रही हूँ बिल्कुल, तो आराम से आप बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से मैदा ले ली थी और यहाँ हमारा जो है बैटर बन के हो गया है घेवर का तैयार। अभी थोड़ा गाढ़ा है, मैं इसको भी और पतला करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कर लिया है खाली, तो मेरा मिक्सर जार जो पहला वाला छिटक गया था, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आराम आराम से चाहे तो आप आइस क्यूब को और तोड़ के ले लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने ठंडा ही किया है, आप याद रखें पानी आपको ठंडा ही यूज़ करना है, ये गर्म जरा भी हो जाएगा तो घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके का हमें बैटर चाहिए, और यहाँ हमारा बैटर हो गया तैयार। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तब तक मैं अपना कर लेती हूँ घी गरम। तो मैंने गैस पर चढ़ाया है घी, भगोनी ले ली है, घी को मैंने पूरा नहीं भरा है, आधा ही भरा है। और यहाँ आप ऑयल मतलब सरसों का ऑयल नहीं, बाकी आप वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और घेवर बनाने के लिए मैंने लिया है सॉस बोतल का यूज़ किया है, चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, कोई बोतल वैसी ले लीजिए आप, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको घी अच्छे से गर्म हो जाने देना है और धीरे धीरे करके बिल्कुल सेंटर में इसको डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से। और जैसे ही एक बार का शांत हो जाए फिर आपको डाल देना है, फिर शांत हो जाए झाग इसके, फिर डाल देना है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ, इसी तरीके से आपको डालते जाना है। और बाकी जो बैटर था ना वो मैंने फ्रिज में ही रख दिया है, और जहाँ तक कि मैंने फ्रीज़र में ही रख दिया कि अच्छे से चिल्ड रहे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जैसे ही थोड़ा सा बैटर गर्म हो जाता है ना तो घेवर जो है नीचे लगने लग जाता है तली में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी तली में लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से धीमे धीमे डालती जा रही हूँ, और जैसे ही एकदम डालते ना केयरफुली डालना है, एकदम ऊपर उठता है तो घी। इसीलिए भगोनी आप इस तरीके के लिए थोड़ी गहरी हो और भारी तली की हो, और घी उसमें घी या ऑयल जो भी आप करें वो आधा ही भरें, पूरा ना भरें। तो इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। अच्छा तो मैंने यहाँ पे पूरी जो एक सॉस बोतल थी ना वो पूरा जो है डाला था भर के, थोड़ा थोड़ा करके, उससे मेरा घेवर का जो साइज़ था ना वो परफेक्ट मोटा बना था। अब यहाँ पे साइड से मैंने इसको छुड़ा करके, मैं दिखाना भूल गई आपको, अगली बार भी राउंड बनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। तो खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट और जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही पतला है। आपको अगर इसकी थिकनेस और बढ़ानी है, मोटा करना है, तो आप क्वान्टिटी बढ़ा दीजिए। चलिए तो अब मैं यहाँ पर चाशनी भी बना लेती हूँ साथ में ही। तो मैंने 1.5 कटोरी ली है चीनी, और इसमें 1 कटोरी भर के डाल दूँगी मैं पानी, और बस इसको पकने देना है। चाशनी में कोई ज़्यादा वो नहीं है इसकी, में सिंपल बनानी है, बल्कि चिपक होनी चाहिए, कोई तार वार की नहीं बनानी होती है इसके लिए, अच्छी सी चिपक का, जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह के लिए बनाते हैं ना उस टाइप की हमें चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चाशनी बनने के लिए छोड़ दी है, उधर जो है वो घी हमारा गर्म हो रहा है, तो मैं अगले राउंड में भी आपको एक अच्छी तरीके से और बता दूँगी। तो यहाँ पर देखिए घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, गैस का फ्लेम जो होना चाहिए ना उसका आप ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। अगर आपको जैसे लग रहा है कि नीचे से ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, उतना कि गैस जो है भगोनी से बाहर ना निकले। अब यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, जैसे एक बार के डालने के बाद शांत हो जाए इसके वो जो झाग झाग से होते हैं, फिर दोबारा डाल दीजिए। और बीच में थोड़ा आप होल करने के लिए चाकू या किसी स्टिक का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि बीच में होल बनता जाए। तो आप खुद देख सकते हैं, अब साइड से मैंने इसको धीमे चाकू की सहायता से छुड़ा करके और नीचे की तरफ कर दिया, जिससे कि ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए, नहीं तो ऊपर से कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, तो यहाँ बहुत अच्छे से बन गया है घेवर, ये देखिए। अब इसको निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा मेरा पतला बना था क्योंकि बैटर उसमें थोड़ा कम रह गया था, बाकी मेरा एक जो पूरा सॉस बोतल का बहुत बढ़िया सा परफेक्ट बन गया था। आपको देख मतलब इसको निचोड़ना है ऐसे ही करके, और इसको एक जाली पे रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा भी बना लिया है इसी तरीके से, आप देख सकते हैं बीच में सेंटर में डालना है, कोई भी परेशानी नहीं हो। सच बताऊँ ना इसको बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आते हैं बनाने में, ऐसा लगता है अभी और मिल जाए तो हम बना लेंगे। तो देख सकते हैं बीच बीच में मैं आपको चाशनी भी दिखा रही हूँ, बीच बीच में बिल्कुल सेंटर में डालती जा रही हूँ, कितनी बढ़िया इसमें जो है जाली पड़ रही है,
बहुत परफेक्ट। तो बस यहाँ पे साइड से फिर छुड़ा दीजिए इस तरीके से और इसको थोड़ा सा नीचा कर दीजिए जिससे कि अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पे देखिए ये घेवर भी हमारा कितना बढ़िया परफेक्ट बना, एकदम सही। इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया। और वहाँ आप मैंने एक जाली रख ली है, ध्यान रखें जाली पे ही रखें नहीं तो उसमें घी भर जाएगा। और जाली पे रखेंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें घी नहीं रहता, सारा घी जो है वो निचोड़ जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे घेवर को जाली पर रखती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें मेरे 200 ग्राम में लगभग 5 से 6 पीस बन गए थे। तो बस चलिए अब मैं आ गई हूँ सेक करके बरांडे में, आराम से बैठ के इस पर मलाई लगाऊंगी और चाशनी लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम बैठ गए और अब ना उसके लिए भी मैंने ना चाशनी के लिए भी एक जाली रख ली है, जैसे कि हम चाशनी डालें ये देखिए, तो जो जाली से ना वो चाशनी इसमें निकल जाए और भरे ना। तो यहाँ पे मैंने जाली रख ली है और नीचे एक बर्तन रख लिया है, बस ऊपर से इसमें चाशनी डालते जाएंगे। चाशनी में चाहे तो आप इलायची डाल सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही मलाई का नहीं खाना चाहते तो आप क्या करें, चाशनी में एक बार डिप करके और फिर निकाल लें, बड़े से बर्तन में चाशनी ले लें और इसको डिप करके निकाल लें। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं घेवर कितना परफेक्ट जालीदार बन के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे मलाई उसको रबड़ी बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे भूल गई हूँ आपको दिखाना, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था बिल्कुल डेड तो वीडियो बन ही नहीं पाया। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस अगर आपके पास मावा है तो आप मावा ले लें उसको भून करके और उसमें थोड़ी सी आप चाशनी मिला लें, जैसे ये चाशनी आपने बनाई है ना यही वाली चाशनी मावा में मिला लें तो मीठा भी हो जाएगा और थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। उसमें इलायची वगैरह डालने बस बन गया आपका रबड़ी। और यहाँ पे आप ऊपर से डाल दें इस पर काजू तो नहीं, पिस्ता और बादाम चिरौंजी वगैरह अच्छी लगती है इस पर। तो लीजिए यहाँ हमारा मलाई का घेवर बनके हो गया है तैयार। और हस्बैंड जी जो हैं वो चले गए हैं, उनको लग रही है शर्म कि वो हार गए, अपनी शर्त जो है वो अपना उन्होंने जो चैलेंज दिया था ना वो हार गए। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से मैं सारे घेवर तैयार कर लूँगी। कुछ घेवर मुझे इसमें ऐसे ही रखने बिना मलाई के, क्योंकि मम्मी को बिना मलाई का पसंद है। तो यहाँ देख सकते हैं एक एक घेवर परफेक्ट आया है, बिल्कुल मतलब अच्छी वाली जाली आई है, बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं आया कि कोई ये कहे कि इतना मतलब कैसा आया है, बेकार आया है। तो यहाँ पे राघव जा रहे हैं नीचे भोग लगाने के लिए और सबको टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत आज से थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी और आज मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, जैसे ही मैंने घेवर बनाया था उसी रात से ही मुझे इतनी परेशानी कि मुझे 2 दिन से फीवर आ रहा है। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को तो पहले आप इग्नोर करिएगा इस तरीके की जो आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर राघव जो है अपना भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी का। अरे मम्मी काट देंगी, एक सेकंड अम्मा बस टेस्ट करके बता दो वीडियो के लिए, और टेस्ट कर लो अब तो जी हम टेस्ट नहीं करा तो मम्मी जाकर कैसा है बाबा दिया। तो जी बस घेवर बना के सबको खिला दिया था और सबको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। भैया को इतना पसंद आया था, कह रहे भाभी मैंने आज तक ऐसा घेवर नहीं खाया, इतना अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी एक एक चीज़ आप फॉलो करेंगे ना तो आप भी घेवर आराम से बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी खिचड़ी, आज हम सब ने खिचड़ी खाई है और खिचड़ी आपने बहुत कम देखी होगी मेरे यहाँ बनते हुए। तो आज हमने खिचड़ी बनाई, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्लिप वगैरह साफ़, क्योंकि इस तरह के काम करने के बाद ना काम बहुत बढ़ जाता है, किचन भी बहुत फैल जाती है। तो बस यहाँ मैं अपनी खिचड़ी लेके आई हूँ, मेरी और राघव की, तो हम दोनों माँ बेटे बैठ के खाएंगे अब खिचड़ी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और इसी के साथ अपना वीडियो भी एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा बेल आइकन के साथ में। थैंक